आज बात उस 58 साल पुराने फैसले की, उस प्रतिबंध की जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने हटा दिया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध की। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व की केंद्र सरकारों ने 1966, 1970, 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों पर शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन अब से हटा लिया गया है। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। इनके साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद उसमें संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इतनी मेहनत की थी कि उनको मुख्य परेड में दिल्ली में आमंत्रित स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रभक्त संस्था सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले, इससे सुखद क्या हो सकता। आरएसएस के बारे में हम याद करें तो लौह पुरुष पटेल साहब ने सबसे पहला प्रतिबंध आरएसएस पे लगाया था। जिस देश की स्थापना लौह पुरुष पटेल साहब ने की, और उन्होंने ये समझा कि आरएसएस को छूट देना ठीक नहीं है, इस देश के लिए ठीक नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आज ये सरकारें क्या करना चाहती है। ये सरकारें शासकीय दफ्तरों में अपने लोगों से कब्जा कराना चाहती है। बालोद बस स्टैंड में पानी भर चुका है, 2 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। बसों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लगातार बारिश का दौर चल रहा है और जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हम देख रहे हैं। ये बस स्टैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस स्टैंड पर पूरी तरह से पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 फीट तक पानी भर चुका है और आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए 2 फीट तक पानी भर चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार बारिश का दौर जारी है और 2 फीट तक पानी बस स्टैंड के यहाँ पर भर चुका है, क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है? आवाजाही तो पूरी तरह से प्रभावित हो गई। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और पहले 2 दिन तक की बारिश राहत लेकर आई थी, लेकिन अब यही बारिश आफत बन चुकी है। बालोद जिले की बात करें तो यहाँ पर के बस स्टैंड का नजारा देखा ही जा सकता है कि किस तरह से पानी यहाँ पर 2 फीट ज्यादा भरा हुआ है और इतने भरे हुए पानी में लोगों को और गाड़ियों को किस तरह से दिक्कतें पेश आती होंगी, बहुत मुश्किल वाली स्थिति है। साथ ही साथ इस तांदुला नदी में ही आज सुबह एक युवक की बाढ़ में बहने से मौत हुई है। इसके अलावा गुरूर के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां अंदर पानी भर चुका है, तो पूरे बालोद जिले में चारों तरफ जो बारिश है वो अब तबाही मचाना शुरू कर चुकी है और पूरा जनजीवन इससे प्रभावित हो चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अभिषेक। बालोद का जिक्र कर रहे हैं, सीएचसी में घुसा बारिश का पानी, पानी के बीच इलाज करा रहे मरीज। आपको बता दें भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गुंडरदेही सीएचसी का ये पूरा मामला है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी के बीच मरीजों का इलाज भी चल रहा है। पूरे अस्पताल में आप देख रहे हैं पानी पानी हर कहीं नजर आ रहा है और इसी बीच बीमारियां फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसी बीच मजबूर हैं मरीज भी यहां पर अपना इलाज कराने के लिए। बालोद में बाढ़ ने ली है एक और जान। नदी के तेज बहाव में नाबालिग डूब गया, डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मुल्ले गुडा में यह हादसा हुआ है। लगातार यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और लोग यहां पर जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ
हादसे की तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगह से लगातार सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए बाढ़ ने एक और जान ली है। नदी के तेज बहाव में नाबालिग डूब गया। डूबने से 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बालोद थाना क्षेत्र के मुल्लेगुडा में यह हादसा होना बताया जा रहा है। बलौदाबाजार में जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं। सिमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये पुल भाटापारा बिलासपुर को जोड़ता है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं बस्तर में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन की समझाइश के बाद भी घूमने आ रहे लोग कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास पहुंचे हैं पर्यटक सेल्फी लेने और पानी में खेलने में लोग मस्त हैं। एएसपी ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए। तो वहीं दंतेवाड़ा की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर किरंदुल में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों में पानी है और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। घर का चूल्हा भीग जाने की वजह से ग्रामीण खाना तक नहीं बना पा रहे थे। तो वहीं कांकेर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं इस वक्त किरंदुल में मौजूद हूं, लौह नगरी किरंदुल। कल यहां एनएमडीसी का C11 का जो डैम फूट गया था, जिससे डैम के फूटने से यहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और यहां बहुत सारे लोग गुस्सा है, एनएमडीसी से गुस्सा है। लोग यहां देख, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाए कि पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। अब इस रोड को जो एनएमडीसी की भारी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ जो पब्लिक है, जो यहाँ इकट्ठी हुई है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आइए हम कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि एनएमडीसी के ने इस आपदा पे क्या व्यवस्था किया है पब्लिक के लिए। आप बताएं कि एनएमडीसी आपदा जो हुआ है उसमें क्या व्यवस्था किया है। अभी देखिए कल से यहाँ पानी गिर रहा है, बच्चे लोगों को बह गए यहाँ से, गाय लोगों बह गए। वो तो छोड़िए, अभी बोल रहे मंगल भवन में व्यवस्था, कितना दिन देंगे व्यवस्था, नहीं दे सकते। फिर वहाँ कुछ होगा तो घर से निकाल देंगे वहाँ। अभी रखे लोग सुबह से रात से खड़े हैं, कोई एक कप चाय ला के दिया, नहीं ला के दिया। एमएनडीसी का नल टूट गया, तुरंत एमएनडीसी वालों को पानी मिल गया। मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या है प्रॉब्लम, क्यों रोड जाम करके रखा है आप लोगों ने? इसलिए रोड जाम करके रखे हैं सर कि यहाँ पर हमारा पारा पूरा बह जा रहा है। एनएमडीसी वाला वहाँ पर डैम खोल दिया, पूरा हमारा पारा तहस नहस हो गया। हमारा छोटे छोटे बच्चा गरीब है, हम लोग कोई ये नहीं है, एनएमडीसी में हमारा नौकरी नहीं है, जो हम लोग ये सब देखेंगे। हमको इंसाफ चाहिए बस। तो आपने देखा कि यहाँ की पब्लिक बहुत गुस्से में है और पब्लिक कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज 18 दंतेवाड़ा।